नमस्कार, मैं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा प्रदेश में भी कम नहीं है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा विदेशों में भी कम नहीं है। वह इन दिनों रामकथा के लिए नेपाल में ही और इस दौरान उनके स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ देखने लायक थी। काठमांडू पहुंचते ही जय श्री राम के उद्घोष के साथ बाबा बागेश्वर का स्वागत किया गया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि बाबा बागेश्वर ने अपने पंडाल में नेपाल की जय क्यों बोला और इससे नेपाल को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों नेपाल में है। वह देवचुली में 3 दिवसीय रामकथा को सुनाने के लिए नेपाल पहुंच चुके हैं और एक दिन पहले काठमांडू पहुंचने पर बागेश्वर बाबा का जबरदस्त स्वागत किया गया। हजारों की भीड़ बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। बाबा ने भी किसी भी भक्त को निराश नहीं किया और देवचुली में रामकथा के पहले ही दिन बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय बोलकर माहौल बना दिया है। रामकथा के पहले दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जन्मे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी पुण्य है जहां पैदा होने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, बल्कि अयोध्या के राम को यहां आना पड़ता है। और उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल भक्ति की भूमि है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।